सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपुल एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोग रेडमी नोट 10 यूज़ कर रहे हो तो आप लोग मुझे फीडबैक दो कमेंट में कि ये फ़ोन कैसा है। आप इसको इतने दिनों से यूज़ कर रहे हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि फ़ोन आपको कैसा लग रहा है। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर आपके रेडमी नोट 10 में बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मैं आपको कुछ नॉर्मल ट्रिक्स बताऊंगा एंड आपको कुछ प्रो ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आप सभी को यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन में बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दो, साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो का लाइक एम हम 200 लाइक एम रख रहे हैं, जल्दी इसको कंप्लीट करा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं पहले आपको नॉर्मल ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो पहला नॉर्मल ट्रिक ये है, आपको नोटिफिकेशन बार पे जाना है एंड वहाँ पर आपको ये चेक करना है कि आप जिन ऑप्शंस का यूज़ नहीं करते वो ऑप्शंस आपके ऑफ रहने चाहिए। जैसे आपका मोबाइल डाटा हो गया, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई, हॉटस्पॉट एंड यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस आपके दिए जाते हैं। तो अगर आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको उसको तुरंत ऑफ कर देना है। एंड मेन आपका मोबाइल डाटा होता है, मोबाइल डाटा आप जब यूज़ नहीं करते तब पर भी ऑन किए रहते हैं तो आपका बैकग्राउंड में मतलब सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं जिससे आपका मतलब प्रोसेसर चलता रहता है, उससे आपकी बैटरी ड्रेन होती है। तो आपको इसको ज़रूर ध्यान देना है कि जब आप फ़ोन को यूज़ ना कर रहे हो तो वहाँ पर आपका मोबाइल डाटा ऑफ रहना चाहिए। एंड दूसरा नॉर्मल ट्रिक ये है गाइस, आपका यहाँ पर ब्राइटनेस जो होता है वो आपको ऑटो पर नहीं रखना है। ऑटो पर रखने से क्या होता है, मतलब ये बार बार इसका सेंसर मतलब ज़्यादा कम होता है, इससे बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होता है, इससे भी आपकी बैटरी ड्रेन होती है। तो आपको एडजस्ट करके रखना है, जितना आप यूज़ करो उतने पे आप सेट कर लो, बट आपको ऑटो ब्राइटनेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो गाइस, तीसरा नॉर्मल ट्रिक ये है, आप जब भी फ़ोन को यूज़ करने के बाद रखने जा रहे हो तो आपको बैकग्राउंड में जितने भी ऐप्स होते हैं, रिसेंट पार्ट में जितने भी एप्लीकेशंस आपके रन करते रहते हैं, उसको आपको सबको रिमूव कर देना है। इससे क्या होता है कि इससे आपका जितने भी फ़ोन में मतलब बैकग्राउंड में जब ऐप्स रन नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई सी भी प्रोसेस नहीं होगा जिससे आपकी बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको भी आपको सिंपली रिमूव कर देना है और आपके मोबाइल डाटा को भी ऑफ कर देना। ऐसा करोगे तो आपके फ़ोन में ये बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। और गाइस, आप लोग कहते हो कि रात में बैटरी ड्रेनिंग बहुत ज़्यादा होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि आप लोग मोबाइल डाटा को ऑन करके रखे रहते हो और रात भर में मतलब ये रिसेंट पार्ट में भी बहुत सारे एप्लीकेशन चालू रहते हैं, आप चलाने के बाद सो जाते हो तो वहाँ पर मतलब वो सब कंज्यूम करते रहते हैं और आपका फ़ोन प्रोसेसिंग करता रहता है रात भर, इसीलिए फ़ोन में बैटरी ड्रेन हो जाता है। गाइस, अब मैं आपको कुछ प्रो ट्रिक बता रहा हूँ। तो पहला प्रो ट्रिक ये है गाइस, पहले आप लोग ये बताओ कि जब आपका इंटरनेट स्लो चलता है तो आप वहाँ पे आपको बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम एंड हीटिंग इशू देखने को मिलता है या नहीं है। तो ऐसा होता है क्योंकि आप जब इंटरनेट आपका जो इंटरनेट नहीं चलता है तो बार बार मतलब सर्च करने लगता है कि आपका टावर से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे आपका फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और वहाँ पे आपका बैटरी भी तेज़ी से ड्रेन होने लगता है। तो आप अगर ऐसा प्रॉब्लम आपका रोज आ रहा है तो आप अपने सिम कार्ड को चेंज कर ऐसे सिम कार्ड को यूज़ करें जो कि आपको एक अच्छी मतलब अच्छी स्पीड का आपको इंटरनेट प्रोवाइड करे, ताकि आपके फ़ोन का इंटरनेट भी अच्छा चले और आपके फ़ोन में हीटिंग एंड बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम भी ना आए। दूसरा प्रो ट्रिक ये है गाइस, आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद वहाँ पर आपको बैटरी का ऑप्शन सर्च करना है, आप बैटरी का ऑप्शन उसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर आपको चेक करना है कि कोई ऐसा ऐप है जो आपका काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है, तो अगर आप उस ऐप को यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप उसको डिलीट कर देना, नहीं तो आपका मैं मतलब बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता रहता है। यहाँ पर जैसे मेरे में ये दिखा रहा है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ये मेरी बैटरी कंज्यूम नहीं करेगा। एंड आपको यहाँ पर पावर सेविंग मोड का ऑप्शन दिया जाता है तो उसको आपको ऑन करना है, वो ऑन करने से भी काफी फायदे होते हैं तो उसको आपको ऑन कर लेना है। एंड गाइस, लास्ट ट्रिक ये है, किस लिए जानते हो बैटरी ड्रेन ज़्यादा होता है, ये जितने भी ट्रिक्स मैंने बताए हैं सभी को यूज़ करते हो तो इसी की वजह से मतलब ये सब मिस्टेक्स अगर आप नहीं करते हो तो इसके वजह से आपके फ़ोन में बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर आपके फ़ोन में कोई सा सॉफ्टवेयर अपडेट आया है तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो, इससे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या बग्स को फिक्स किए जाते हैं कंपनी के, ये आपको आपके फ़ोन में प्रोवाइड हो जाएगा। तो सारे ट्रिक्स को आप यूज़ करो, आपके फ़ोन में बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस, ये वीडियो था, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।